हेलो स्टूडेंट्स, रेस्पिरेटरी एमएसएन के पार्ट 11 के अंदर आज हम लोग एक और डिजीज पढ़ेंगे, वो है कोर पल्मोनेल। तो कोर पल्मोनेल क्या होती है, इसके कारण, सिम्टम्स, पैथोफिजियोलॉजी, इसके इन्वेस्टिगेशन और इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, ये सभी पॉइंट हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अदर जो वीडियोज है मैंने डिस्क्रिप्शन में एज ए प्लेलिस्ट डाल रखे हैं, आप चाहे तो उन्हें चेक कर सकते हैं। तो कोर पल्मोनेल आज का अपना टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं कि कोर पल्मोनेल क्या होता है। तो कोर पल्मोनेल जो होता है, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, पल्मोनरी हार्ट डिजीज। ठीक है, यानी पल्मोनरी मींस लंग्स, लंग्स में किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर हार्ट डिजीज डेवलप हो जाए तो दैट कंडीशन इज नोन एज पल्मोनरी हार्ट डिजीज। कोर पल्मोनेल, कोर पल्मोनेल का मतलब होता है कार्डियक प्लस लंग्स डिजीज के साथ में, बिकॉज ऑफ लंग डिजीज अगर कार्डियक प्रॉब्लम अराइज हो जाए दैट कंडीशन इज नोन एज कोर पल्मोनेल। तो कोर पल्मोनेल क्या है कि इट इज एनलार्जमेंट और हाइपरट्रॉफी एंड फेलियर ऑफ राइट वेंट्रिकल, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट वेंट्रिकल फेलियर हो जाए बिकॉज ऑफ ड्यू टू इंक्रीज वेस्कुलर रेसिस्टेंस इन पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी सर्कुलेशन में अगर रेसिस्टेंस हो जाए उसकी वजह से राइट वेंट्रिकल जो है फेलियर हो जाना, वो कंडीशन कहलाता है कोर पल्मोनेल या फिर पल्मोनरी हार्ट डिजीज। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा सर्कुलेशन समझ लेते हैं। इसको मैंने सिंप्लीफाइड करके डायग्राम को बनाया है। ये हार्ट के अपने चार चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। देन हमें सर्कुलेशन पता है अच्छे से कि राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक अराइज होता है जो कि दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड हो जाता है और दोनों तरफ लंग्स में ये ब्लड की सप्लाई करता है। फिर जो वीनस रिटर्न आता है वो कहाँ पर आता है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो है चार ब्रांचेज के थ्रू जो है रिटर्न वापस आता है। हर एक लंग से दो ब्रांचेज आकर के इसके अंदर वापस रिटर्न करती है। तो ये होता है अपना पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। अब समझना, पल्मोनरी आर्टरी जो ब्लड सप्लाई कर रही है उसमें अगर कोई रेसिस्टेंस आ जाए, सपोज कीजिए लंग्स के अंदर अगर कोई रेसिस्टेंट है, लंग्स में कोई ऐसी बीमारियां आ गई है, डिजीज हो गई है जिसकी वजह से लंग्स के अंदर सप्लाई नहीं हो पा रही है, या फिर पल्मोनरी आर्टरी के अंदर स्टेनोसिस हो गया है, या पल्मोनिक वाल्व जो यहाँ पे वाल्व आता है उसमें स्टेनोसिस हो गया जिसकी वजह से ब्लड प्रॉपर नहीं जा पा रहा है, तो उसकी वजह से राइट वेंट्रिकल का जो वर्कलोड है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर कि इसके अंदर हाइपरट्रॉफी डेवलप हो जाती है। तो दैट कंडीशन इज नोन एज कोर पल्मोनेल। तो ये डेफिनेशन पढ़ा था कि कोर पल्मोनेल इज एनलार्जमेंट और हाइपरट्रॉफी एंड फेलियर ऑफ राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट ड्यू टू इंक्रीज वेस्कुलर रेसिस्टेंस इन पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी सर्कुलेशन। यूजुअली इट इज कॉज्ड बाय क्रोनिक लंग डिजीज। जो भी लंग डिजीज होते हैं जो कि क्रोनिक कंडीशन होते हैं, दैट आर COPD, सिस्टिक फाइब्रोसिस, TB, न्यूमोनिया, एम्बोलिज्म जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, या फिर पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस, इन सभी कॉजेज की वजह से जो है, क्योंकि रेसिस्टेंस डेवलप होगा तो राइट वेंट्रिकल का वर्कलोड बढ़ेगा, राइट वेंट्रिकल धीरे धीरे हाइपरट्रॉफी डेवलप हो जाएगी, एनलार्जमेंट हो जाएगा। राइट वेंट्रिकल का एनलार्जमेंट होना ही क्या कहलाता है, कोर पल्मोनेल। बट यहाँ पर कारण क्या होगा, पल्मोनरी रेसिस्टेंस। पल्मोनरी रेसिस्टेंस की वजह से अगर ये वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो रही है, दैट कंडीशन इज नोन एज कोर पल्मोनेल। पल्मोनरी हार्ट डिजीज के हम लोग इटियोलॉजी या कॉजेज को देखते हैं, जैसा कि हम लोग ने डेफिनेशन में बताया था, जैसे कि जितने भी रेसिस्टेंस यानी पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो रेसिस्टेंस डेवलप करते हैं वो सभी कॉजेज होते हैं, जैसे COPD, ट्यूबरक्लोसिस, न्यूमोनिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोर पल्मोनेल का क्रोनिक कॉज क्या होता है, मोस्ट कॉमन क्रोनिक कॉज कौन होता है, COPD। COPD के ऊपर हम लोग डिटेल, ये सभी डिजीज के ऊपर डिटेल वीडियो में बना चुका हूँ, आप लोग देख लेना। देन पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो होता है एक्यूट, अगर किसी को अचानक से अगर कोर पल्मोनेल डेवलप हो रहा है तो उसके लिए रीजन होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इसके ऊपर भी जस्ट पिछली क्लास में हमने डिटेल से इसको पढ़ा था, ये कारण होता है। इसके अलावा पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन हो जाए। अब पल्मोनरी आर्टरी जो होती है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो प्रेशर होता है वो होता है अपने पास 25/10 mmHg। इसका मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर बात करें तो 15 mmHg होता है, ठीक है। और मीन जो प्रेशर होता है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है 2 × डायस्टोलिक प्लस सिस्टोलिक अपॉन 3। यानी जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है यानी 10, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 × 10 = 20 प्लस सिस्टोलिक यानी 25, तो 20 + 25 = 45/3। तो यहाँ पर अपने पास आ जाता है 15 mmHg जो कि मेन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर हो जाता है। अगर ये जो 25 है जो 30 से अबव हो जाए, या फिर मेन वाला जो है 20 से अबव हो जाए, वो कंडीशन कहलाती है पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो इस कंडीशन में भी धीरे धीरे चूंकि राइट वेंट्रिकल का वर्कलोड बढ़ेगा तो हाइपरट्रॉफी डेवलप हो जाती है और एक टाइम पे ये फेलियर हो जाता है।
इसके अलावा पल्मोनिक वाल्व स्टिनोसिस हो जाए, ये वाल्व नैरोइंग हो जाए जिसकी वजह से सर्कुलेशन आगे नहीं जा पाता है। इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया हो जाए, एक जेनेटिक कंडीशन होती है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन आरबीसी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है सिकल सेल। उसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन होती है उसमें जो बीटा चेन के अंदर सिक्स पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन एमिनो एसिड आ जाता है जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बदल जाता है, आरबीसी का स्ट्रक्चर बदल जाता है। और इसकी जो एबनॉर्मल जीन होती है वो क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर इसकी जीन पाई जाती है। तो ये कुछ बेसिक बात थी। तो सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या होता है, चूंकि आरबीसी सिकल सेल शेप हो जाती है तो उस वजह से वो क्या होती है, लंग्स की कैपिलरीज के अंदर स्टक कर जाती है, फंस जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, वर्कलोड बढ़ जाता है। तो एक ये भी कारण होता है। इसके अलावा सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये भी डिटेल से हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस केस के अंदर भी जो है रेसिस्टेंस बढ़ जाता है जिसकी वजह से कोर पल्मोनेल डेवलप हो जाता है। अब हम लोग जो है कोर पल्मोनेल के साइन एंड सिम्टम्स, क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं, क्या क्या सिम्टम्स इसमें आते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है क्योंकि सर्कुलेशन लंग्स तक नहीं पहुंच पाता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन सेचुरेशन यानी ब्लड नहीं पहुंचने की वजह से शॉर्टनेस ब्रीथ होता है। वीजिंग पर्सन में होने लग जाता है, वीजिंग विस्लिंग साउंड जो है सुनाई देता है स्टेथोस्कोप से अगर हम लोग ऑस्कल्टेट करते हैं। इसके अलावा क्योंकि ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजनेशन नहीं होगा तो इसकी वजह से साइनोसिस डेवलप हो जाता है। देन जनरलाइज्ड एडिमा बॉडी के अंदर आने लग जाता है, बॉडी में स्वेलिंग आने लग जाती है। क्या कारण है इसका, क्या कारण है, क्योंकि राइट वेंट्रिकल से ब्लड किसमें नहीं जा रहा, पल्मोनरी आर्टरी में नहीं जा रहा, और राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है राइट एट्रियम से, और राइट एट्रियम में कहाँ से आता है, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा अपना अपर बॉडी ब्लड लेकर के आती है और इन्फीरियर वेना केवा लोअर बॉडी बॉडी ब्लड लेकर आती है। अब सोचिए राइट वेंट्रिकल से फ्लो हो नहीं रहा है तो यहाँ पर प्री लोड बढ़ने लग जाएगा, और प्री लोड की वजह से जो है जो जनरल बॉडी सिस्टम होता है जनरलाइज्ड एडिमा डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो जनरलाइज्ड एडिमा होना स्टार्ट हो जाता है, लीवर एनलार्जमेंट या एसाइटिस होने लग जाता है क्योंकि इन्फीरियर वेना केवा में पोर्टल सिस्टम के थ्रू जो है लीवर से भी ब्लड जो है जाता है। ठीक है, लीवर के अंदर ब्लड अपना पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से आता है। तो ये हम लोग जो है इसकी एनाटोमिकल बात कर रहे हैं कि लीवर जो पोर्टल सिस्टम बनाता है वो सारा ब्लड किसमें जाता है, इन्फीरियर वेना केवा में। अब सोचिए इन्फीरियर वेना केवा में प्रीलोड बढ़ चुका है ऑलरेडी क्योंकि राइट वेंट्रिकल पंप नहीं कर पा रहा है, तो इस वजह से लीवर के अंदर भी जो है स्वेलिंग आना एनलार्जमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। और लीवर में एनलार्जमेंट होगा तो लीवर में जहां से ब्लड आ रहा था पोर्टल सिस्टम के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन स्टमक, तो वहां से वो ब्लड रिटर्न नहीं होगा, और रिटर्न नहीं होने की वजह से वहां से लीक होगा और अपनी पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो है वो फ्लूड लीक होना स्टार्ट हो जाता है, जो कंडीशन कहलाती है एसआईटिस, और जॉन्डिस जैसे करेक्टरिस्टिक्स भी इसमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा सीवीपी यानी सेंट्रल वीनस प्रेशर और जुगुलर वीनस प्रेशर यानी जेवीपी, ये दोनों की जो लेवल है वो भी बढ़ जाता है। इनके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, आप लोग देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें नॉर्मल वैल्यूज क्या होता है, सीवीपी बढ़ने का मतलब क्या, कम होने का मतलब क्या, वो सभी एक्सप्लेन किया है। तो सीवीपी और जेवीपी अलग अलग वीडियो बना रखा है, देख लेना आप लोग। तो सीवीपी और जेवीपी क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि सीवीपी और जेवीपी जो है वीनस प्रीलोड के ऊपर असेस किया जाता है। यानी अपन बात करें जैसे सीवीपी जो है अपने पास सबक्लेवियन वेन होती है उसके अंदर से हम लोग मेजर करते हैं सेंट्रल लाइन के थ्रू, जबकि जुगुलर वीनस प्रेशर जो है जुगुलर वेन में मेजर किया जाता है। ठीक है, तो सबक्लेवियन वेन और जुगुलर वेन दोनों ही जो होती है अपने पास बात करें सुपीरियर वेना केवा से ब्लड लेकर के आती है। तो अगर यहाँ पे सोचिए प्री लोड बढ़ेगा तो सीवीपी और जेवीपी का लेवल है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जुगुलर वेव पल्सेशन होना यानी जुगुलर वेन जो होती है उसमें भी पल्सेशन जो है दिखाई देता है, हमें पल्सेशन को हम लोग पालपेट कर पाते हैं, अदरवाइज वेन्स के अंदर किसी तरीके का पल्सेशन नहीं होता, जो भी पल्सेशन होता है वो आर्टरीज में होता है। तो इसमें पल्सेशन क्यों हो रहा है, ड्यू टू ट्राइकस्पिड वाल्व रीगर्जिटेशन, क्योंकि राइट वेंट्रिकल तो ब्लड फ्लो कर नहीं पा रहा है यहाँ पर, अब पंप नहीं करेगा तो ब्लड का होगा बैक रीगर्जिटेट होगा। अब बैक रीगर्जिटेट होने की वजह से जब भी वेंट्रिकल कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं तो बैक ब्लड रीगर्जिटेट होगा तो वो किस में जाएगा, सुपीरियर वेना केवा में एक पल्स सेंड करेगा, तो वो पल्स जो होगी जुगुलर वेन में हमें उस चीज को हम लोग पालपेट कर पाएंगे, अदरवाइज वेन्स में किसी तरीके की पल्सेशन फील नहीं होती है। तो ये करेक्टरिस्टिक पॉइंट हो गया। इसके अलावा थर्ड ऑडिबल हार्ट साउंड जो है स्टेथोस्कोप से सुनाई देती है, जनरली दो ही साउंड होती है S1 और S2, लव या डब, लेकिन इस केस में जो है थर्ड साउंड यानी मर्मर साउंड सुनाई देती है, जबकि थर्ड जो साउंड जिसे हम लोग S3 के नाम से जानते हैं ये नॉर्मली नहीं सुनाई देती है। बट इस केस में चूंकि यहाँ पर ब्लड जो है ऊपर की तरफ में जाता है उस वजह से और ब्लड बैकफ्लो हो रहा है इस वजह से जो है मर्मर साउंड सुनाई देती है, और वो साउंड होती है S3। नॉर्मली ये साउंड ऑडिबल नहीं होती है,
ठीक है, तो ये जो साउंड है सुनाई देना करेक्टरिस्टिक साइन हो जाता है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी का। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक साइन थे, सिम्टम्स थे जो कि कोर पल्मोनेल के पर्सन में होते हैं। कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन करते हैं कोर पल्मोनेल को डायग्नोस करने के लिए? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री के थ्रू हम लोग फिजिकल करेक्टर को देख करके आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा ऑस्कल्टेशन करते हैं, ऑस्कल्टेशन में जो है हम लोग जो व्हीजिंग साउंड भी सुन सकते हैं और थर्ड जो साउंड होती है लब डब के अलावा वो भी सुनाई दे सकती है। इसके अलावा सीवीपी एंड जेवीपी मॉनिटरिंग से भी हम लोग बता सकते हैं कि राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो चुकी है। तो सीवीपी जेवीपी पे मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, आप लोग देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चेस्ट एक्सरे किया जा सकता है। इसके अलावा ईसीजी में जो है इकोकार्डियोग्राफी के अंदर जो है एनलार्ज पी वेव दिखाई देती है। अगर पी वेव जो होती है वो अगर एनलार्ज दिखाई देती है, अपन बात करें पी वेव की, तो पी वेव जो है एनलार्जमेंट दिखाई देगा, नॉर्मल पी वेव से ज्यादा एनलार्ज पी वेव दिखाई देती है, इसका मतलब वहां पर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो चुकी है। तो ये करेक्टरिस्टिक साइन होता है ईसीजी के अंदर, और ईसीजी पे मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, थोड़ा लंबा वीडियो है बट आप लोग अगर उसको देखते हैं तो ईसीजी को काफी हद तक समझ सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। इसके अलावा इकोकार्डियोग्राफी में जो है इकोकार्डियोग्राफी मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी होती है हार्ट की या चेस्ट की, जिसमें राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी को हम लोग जो है देख सकते हैं। तो इकोकार्डियोग्राफी से ये चीज पता लगती है। तो ये सभी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं कोर पल्मोनेल को डायग्नोस करने के लिए। सबसे लास्ट में हम लोग ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले जो भी कारण होता है वो हमें आइडेंटिफाई करना है कि आइदर वो कोई इन्फेक्शन है, ट्यूबरक्लोसिस है, न्यूमोनिया है, सीओपीडी है, क्या कारण है। अगर वहां पे कोई इन्फेक्टिव कोज प्रेजेंट होता है तो एंटीबायोटिक थेरेपी दी जा सकती है, जैसे फ्लोरोक्विनोलोन्स होते हैं, मैक्रोलाइड्स होते हैं। इसके अलावा जो भी रिक्वायर्ड एंटीबायोटिक होती है वो दिए जा सकते हैं। जैसे अगर बात करें न्यूमोनिया है तो न्यूमोनिया ट्रीटमेंट हमने न्यूमोनिया में पढ़ा था, तो कोई भी इन्फेक्टिव कोज है तो उसमें दी जा सकती है। इसके अलावा डायरेटिक थेरेपी दी जाती है। डायरेटिस क्या होगा, जो भी एडिमा है जनरलाइज एडिमा हुआ उसको रिलीव करेगा, ठीक है, और साथ ही साथ में जो है डायरेटिक्स हेल्प करेगी प्री लोड को भी रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो डायरेटिक थेरेपी दी जा सकती है, जैसे यहाँ पर फास्ट एक्टिंग डायरेटिक देते हैं, लॉन्ग एक्टिंग डायरेटिक देते हैं जो कि लेसिक्स या फ्यूरोसेमाइड होती है, जो कि लूप डायरेटिक्स होती है, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीजन थेरेपी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्लड फ्लो वहां पर कम हो रहा है। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, तो जो भी बीटा ब्लॉकर्स है और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है वो हाइपरटेंशन को भी कम करते हैं। और बीटा ब्लॉकर जैसे एग्जांपल की बात करें जिसमें भी LOL सफिक्स आता है, जैसे कि प्रोप्रेनोलोल, एटीनोलोल, इस तरीके की मेडिसिन। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में जैसे कि वेरापामिन आती है, निफिडिपाइन आती है, एम्लोडिपिन आती है, इस तरीके की मेडिसिन। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट में कोर पल्मोनेल का कारण है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के केस में जो है जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एंटीकोगुलेंट और थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी दी जा सकती है एम्बोलस को ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा डिजोक्सिन जो है कार्डियक आउटपुट को बढ़ाने के लिए दी जा सकती है, जो कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल होते हैं। तो ये कुछ ट्रीटमेंट मॉडलिटीज है जो कि इसके अंदर इस पर्सन की कंडीशन को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकती है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा बट बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।